नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। राज्य में मछली पालन के उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की सहायता के लिए अब मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। हाल ही में देखा गया है कि अब किसानों को खेती से ज्यादा मत्स्य पालन में रुचि देखने को मिला है और इस कारोबार में काफी फायदा भी है, तो इसे देखते हुए अब इसके लिए भी पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। मत्स्य पालन पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए 464 पद हैं, लेकिन अभी सिर्फ 264 पदों के लिए ही नियुक्ति की नोटिस जारी किए गए हैं और जल्द ही ये कहा जा रहा है कि 464 पदों की नियुक्ति के लिए भी जो अपडेट होंगे वो बता दिए जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ 264 पदों के लिए नियुक्ति के लिए नोटिस आई है और इसका किस तरीके से आपकी नियुक्ति की जाएगी, क्या पूरी इसकी प्रक्रिया होंगी और सालाना क्या होंगे वो भी हम आपको बता दें कि इसकी सैलरी भी क्या कुछ हो सकती है। तो आपको बताएं कि मत्स्य प्रसार पदाधिकारी अब अराजपरित कर्मचारी होंगे, इसकी नियुक्ति वेतन स्तर 7 पर की जाएगी, अर्थात इसका शुरुआती वेतन जो है वो 44,000 से शुरू हो सकता है। इसका मुख्यालय प्रखंड का पशु चिकित्सालय में होगा। वर्तमान में प्रखंडों में संविदा पर मत्स्य प्रसार पदाधिकारी कार्यरत होंगे, इसके लिए 100 पदों का सृजन किया गया है। इस संबंध में विभाग ने साफ किया है कि नियमित नियुक्ति होने तक संविदा पर बहाल कर्मियों की सेवा बनी रहेगी। यानी विभाग ने कहा है कि जल जीवन हरियाली अभियान के चौर विकास योजना, बायो फ्लॉप योजना, किसानों और युवा उद्यमियों को मछली पालन से संबंधित प्रशिक्षण देने संबंधित योजना लागू किए गए हैं। तो इन योजनाओं में कहा गया है कि अगर आपकी नियुक्ति पदाधिकारी के रूप में की जाती है तो आपको मत्स्य पालन से रिलेटेड सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको जो भी किसान मत्स्य पालन करना चाहते हैं या जो विद्यार्थी मत्स्य पालन का कारोबार करना चाहते हैं उनको आपको प्रशिक्षण देना होगा। अगर इस पद पे नियुक्ति की जाती है तो सालाना 18 करोड़ का खर्च आ सकता है। तो इसके लिए ये वैकेंसी लाई गई है, 44,000 तक सैलरी होंगी, 264 पद हैं। तो जो भी इन सब पदों के लिए इच्छुक विद्यार्थी हैं जो मत्स्य पालन में रुचि रखते हैं उनके लिए अच्छा मौका है। आप जाइए, फॉर्म को भरिए और जो भी प्रक्रिया होगी उसे पूरा कीजिए और आप पदाधिकारी बन सकते हैं। तो इन सब अपडेट्स के साथ हम आए हैं और आगे भी इन सब अपडेट्स के साथ हम आते रहेंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें।